मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ। दोस्तों, अपने ही समुदाय द्वारा उठाए गए सवालों पर भड़क गई हैं मॉडलर उर्फी जावेद। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि यह हमेशा अपने पहनावे और लुक को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं इन्हें कई बार तो ट्रोल भी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्फी जावेद खुद मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं और एक इंटरव्यू के दौरान वह अपने ही समुदाय के लोगों पर भड़क गईं और उनके ऊपर उठाए गए सवालों को लेकर इंटरव्यू में ही जमकर अपने बातों से वार की हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उर्फी जावेद ने इस इंटरव्यू में क्या बोला है। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, उर्फी जावेद कहती हैं कि मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है क्या, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है। जब मुसलमान टेररिस्ट मार कर चले जाते हैं, वे अच्छा करते हैं क्या? मुसलमान होकर इतने लोगों को मार देते हैं, ऐसे खुला बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक, ये सही है क्या? किसी मुसलमान में शर्म नहीं आनी चाहिए मुसलमान होकर ऐसा कर रहे हो? और मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ नहीं पूछा, तो लोग मेरे और मेरे पहनावे के बारे में क्यों पूछते हैं? वहीं दोस्तों, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको कभी परिवार में या किसी और ने यह नहीं बोला कि मुस्लिम होकर हिजाब पहनो, नकाब पहनो? तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि बचपन में ऐसा हुआ था, लेकिन अब मैं ओपन रहती हूँ और ओपन माइंडेड हूँ। तो दोस्तों, उर्फी जावेद के इस वीडियो को काफी लोग लाइक कर रहे हैं, तो काफी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उर्फी ने यह सही नहीं बोला है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग की क्या राय है, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।